हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी एक नई अपडेट बताने वाला हूं, जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब लगेंगे उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। साथ ही साथ सहारा रिफंड पोर्टल में कितने अमाउंट तक आप रिफंड ले सकते हैं इसके लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो मैं वो भी बताऊँगा कि आप कितने अमाउंट तक रिफंड ले सकते हैं। चलिए जानते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड पे एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दूसरा है मेंबरशिप नंबर। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अगर आपके पास सहारा का सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको मेंबरशिप नंबर लिखा होता है, साथ ही साथ आपका सर्टिफिकेट नंबर भी उसमें मेंशन होता है। ये दोनों नंबर आपको ऑनलाइन आवेदन देने समय मांगा जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है सहारा का पासबुक। आपके पास सहारा का पासबुक होना चाहिए। उसके बाद आपको सहारा का सर्टिफिकेट का एक पीडीएफ तैयार कर लेना है, साथ ही साथ आपको सहारा के पासबुक का एक पीडीएफ तैयार कर लेना है। ये दोनों पीडीएफ आपको ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रेडी कर लेनी है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। उस फॉर्म के ऊपर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने चिपकाना है और उसके बाद आपको नीचे सिग्नेचर करना है और एज इट इज़ आपको उस फॉर्म को अपलोड कर देना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अगर आपका क्लेम 50,000 से ज़्यादा का है तो आपको आपका पैन नंबर भी देना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने सहारा में लास्ट पैसा जमा किया था तो उसके अगेंस्ट में आपको एक रिसिप्ट नंबर दिया गया होगा, तो उस रिसिप्ट नंबर का इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑनलाइन आवेदन में मांगा जा सकता है। आपके पासबुक में वो नंबर अवेलेबल मिल सकता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है डिपॉजिट अकाउंट नंबर। ये डिपॉजिट अकाउंट नंबर आपके सहारा सर्टिफिकेट में भी मेंशन होता है और आपके सहारा पासबुक में भी लिखा होता है। इस डिपॉजिट अकाउंट नंबर को आपको ऑनलाइन आवेदन के समय आपको इसका डिटेल मांगा जाएगा। आवेदन करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, भारत सरकार द्वारा इस सहारा रिफंड पोर्टल में सिर्फ आपको 10,000 तक की फर्स्ट राशि ही प्रोवाइड की जाएगी आवेदन करने के पश्चात। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको 10,000 तक की राशि ही प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दिया जाएगा भारत सरकार के नए अपडेट आने के बाद। ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाने के बाद आपको सहारा रिफंड पोर्टल के ऑफिशियल साइट में आना है, जिसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये सहारा रिफंड पोर्टल का ऑफिशियल साइट है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। जमाकर्ता पंजीकरण वाले ऑप्शन पर जाना है और वहाँ आपको आधार नंबर और मोबाइल ओटीपी के थ्रू पंजीकरण करना है। एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद आपको जमाकर्ता लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है और वहाँ से आपको अपना ऑनलाइन आवेदन देना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं हर किसी को रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं उसका पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।